बहुत ज्यादा लोगों की तरह मेरा भी ये डाउट था, इफ आई रिजाइन फ्रॉम TCS आफ्टर वर्किंग देयर फॉर 9 मंथ, तो क्या जो लास्ट के 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है जो मैं सर्व करूंगा, वो उस 1 साल में काउंट होंगे या नहीं, और उसके बाद मुझे बॉन्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा या नहीं। तो इस चीज की कंफ्यूजन मुझे भी बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे, जब मैं भी TCS में बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि कब मैं TCS से रिजाइन कर निकलूंगा। एट दैट मोमेंट मैं भी यही चीज सोच रहा था, जिसका जवाब मुझे उस टाइम पे नहीं मिला था। आज इस वीडियो में मैं आपको उस चीज का जवाब भी दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की ये क्वेरीज आ रही थी, बहुत ज्यादा लोग मुझसे ये चीज पूछ रहे थे। तो इसका एक सिंपल सा मैं आपको आंसर बताऊंगा कि डेफिनेटली जो आपके लास्ट वाले 3 महीने नोटिस पीरियड के होते हैं वो डेफिनेटली काउंट होते हैं, लेकिन मैं आपको इसके अंदर भी कुछ इंटरनल ट्रिक्स छुपी होती हैं जिसके कारण आप इसमें भी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अब आप एक सिनेरियो इमेजिन करिए, मान लीजिए कि मैंने TCS को 26 फरवरी को ज्वाइन किया, ठीक है, तो टेक्निकली मेरा जो साल होता है, जो मेरा 1 साल कंप्लीट होगा TCS में, वो होगा 26 नवंबर अगले साल को। तो मान लो कि मैं अगर कैलकुलेशन करने के बाद ये चीज़ सोचूं कि मैं नवंबर 26 को रिजाइन कर दूं, ताकि जो लास्ट वाले जो 3 महीने मेरे नोटिस पीरियड में काउंट होंगे वो मेरा एज ए टोटल एक्सपीरियंस की तरह काउंट होगा या नहीं। तो मैंने भी उस टाइम पे ये दिमाग लगाया था कि यार हो सकता है या नहीं, तो मुझे उसके बारे में कुछ और चीज़ें पता चली कि आप कर तो सकते हो और वो चीज़ मतलब अकाउंट भी होगी, लेकिन एक इसमें ब्लफ सा छुपा होता है कि मान लो कि अगर आपको पहले ही रिलीज़ दे दिया, मान लो कि अगर आपके मैनेजर भी एग्री हो गए कि ठीक है इस बंदे को जाने दो, और उसके बाद अगर HR भी मान गए कि ठीक है इसको अगर 1-2 दिन भी पहले छोड़ दिया, तब भी आपको बॉन्ड पे करना पड़ता है। मान लो कि अगर आपकी लास्ट वर्किंग डेट 24th of February होगी, या फिर 20 February होगी, या फिर अगर जनवरी में, या फिर दिसंबर में, या नवंबर में ही हो गई, तब भी आपको वो सारा का सारा बॉन्ड पे करना पड़ेगा जितना भी आपने साइन किया होता है। और ये सिर्फ मैं TCS की ही बात नहीं कर रहा, ये मैं सब कंपनीज की बात कर रहा हूँ कि ऐसा हर एक कंपनी में होता है। आपको कभी भी अगर आपने रिजाइन कर दिया तो वो आपके हाथ में नहीं होता कि आपकी लास्ट वर्किंग डे क्या होने वाली है, वो सारी की सारी एम्प्लॉयर के हाथ में होती है कि वो आपकी लास्ट वर्किंग डे क्या डिसाइड करते हैं। तो अगर आप 1 साल के अंडर ही उस कंपनी को छोड़ते हो, तो आप जो भी आपने साइन किए होते हैं कि आप इतना अमाउंट पे करोगे, आपको वो अमाउंट पे करना पड़ता है। इसमें मैं आपको इसी चीज़ की सजेशन दूंगा कि जब भी आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हो, तो जितना भी उसका नोटिस पीरियड होता है या जितना भी उसका बॉन्ड पीरियड होता है, उन सबको प्रॉपरली सर्व कर ही बाहर निकलिएगा। बॉन्ड पीरियड की अगर मैं बात करूं, तो उसमें ऊपर नीचे बिल्कुल भी करने का ट्राई मत कीजिएगा, अपना दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें आप कई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करें। सपोज कि अगर आपने किसी कंपनी को 26 नवंबर को ज्वाइन किया, 1 साल का आपका बॉन्ड है, तो आप अगले साल 26 नवंबर तक वहीं पे बैठे रहिए, 27 नवंबर को जाकर आप वहां से रिजाइन कीजिए। जहां पे आपने 9 महीने लगा दिए, 3 महीने भी कुछ ज्यादा नहीं है, तो आप इजीली वो भी दिन निकाल ही लोगे। उन 3 महीनों को भी आप प्रोडक्टिवली यूज करें, उन 3 महीनों में आप इंटरव्यू की प्रेपरेशन करें कि आपको बाद में जिस तरह की भी जॉब चाहिए, आप उसके लिए अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें, रेदर देन कि आपने रिजाइन करके बैठ गए और उसके बाद आप जॉब सर्च करने पड़े, तो आप उस सब चीज को प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, नई नई चीजों में जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो उस 3 महीने के इंटरवल को भी अच्छे से प्रोडक्टिवली यूज कीजिए, रेदर देन कि उसी टाइम पे रिजाइन करके बैठ जाइए। क्योंकि इन सब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसने से अच्छा है कि आप वहां पे 1 साल कंप्लीट करने के बाद ही वहां से बाहर निकले। मैंने भी यही किया था, मैं भी 1 साल जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद ही रिजाइन किया था। आपको भी मैं यही सजेशन दूंगा कि 1 साल तो कम से कम उस कंपनी में बैठिए, क्योंकि 1 साल से पहले कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।